राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंच चुकी है। आज उनकी यात्रा का यूपी में दूसरा दिन है। यात्रा को शुरू हुए 35 दिन हो चुके हैं। इस यात्रा के जरिए राहुल लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के लिए जनाधार इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। खास बात यह है कि गदौलिया से रथ यात्रा रूट पर पहली बार कोई कांग्रेस नेता राजनीतिक यात्रा करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेत किसी भी नेता ने इस रूट पर बनारस में राजनीतिक यात्रा नहीं की है। इसके बाद गदौलिया चौराहे पर लोगों को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 8 दिन की होगी। बता दें कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने पूर्वांचल में वाराणसी से प्रयागराज के बीच 12 लाख कुर्मी मतदाताओं को साधने के लिए पॉलिटिकल दांव खेला है। इन दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, फूलपुर और प्रयागराज शामिल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे इन जिलों के बड़े कुर्मी मतदाताओं को कांग्रेस अपने पाले में खींचना चाहती है। यदि राजनीति सटीक बैठी और जनता ने साथ दिया तो पूर्वांचल में कांग्रेस का सूखा खत्म हो सकता है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी जा सकता है। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी में चल रही है। यहाँ पर राहुल गांधी ने गोलगड्डा से अपनी यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी की गोलगड्डा से यात्रा शुरू होते ही मुस्लिम बाहुल इलाकों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रोड शो का, राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी खुली जीप में सवार हैं, उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वो हाथ हिलाकर और लगातार अभिनंदन कर रहे हैं। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।